महोदय ने दिल्ली सरकार की धन्यवाद देगी, बेरोजगारी खत्म होगी। जय हिंद, जय भारत। श्री ओम प्रकाश जी, धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय उपराज्यपाल महोदय ने दिल्ली सरकार की परिकल्पना और कार्य के ऊपर कल अपना अभिभाषण दिया। इसको देखते हुए लगता है थोथा चना बाजे घना। अभी 2016 से लेकर 2021 तक की तुलना की गई, जिसका गुणगान दिल्ली की सरकार बड़े गर्व के साथ कर रही है। 5 सालों में कभी भी जो इस प्रकार की आर्थिक तुलनाएं होती हैं, ये हमारा कोई वर्ष समाप्त पंचवर्षीय योजना नहीं है, तो हर साल की उससे तुलना करते हैं। अगर मैं इसकी जीएसटी से तुलना करूं, तो जीएसटी का जो कलेक्शन है, आपने 5 साल में जितना 50% किया है, लगभग उतने ही जीएसटी का कलेक्शन केंद्र सरकार ने 1 साल में बढ़ाया है। तो यह आपकी जो कार्यशैली है वो दर्शाती है कि जिस स्पीड से देश की सरकार चल रही है, आप उसके पीछे भागने का कुछ तो प्रयास करो। नहीं करोगे तुम्हारी मर्जी भाई, अरे नहीं करोगे आपकी मर्जी, मेरा काम कहने का है। दूसरी बात, आपने बहुत कुछ इसमें शिक्षा के लिए कहा, तो आप केवल सपने ही देखते हैं या सपनों को कभी जमीन पर लाते हैं? आप शिक्षा नीति के ढिंढोरा पीटते हैं, करोड़ों करोड़ रुपया विज्ञापन में खर्च करते हैं, अरे 2 साल तो स्कूल चले ही नहीं। जब स्कूल ही बंद रहे तो आपने क्या खोद खोद के दोबारा स्कूल बनाए? क्या किया है मुझे समझ नहीं आ रहा। और रहा सवाल, पेपर हुए नहीं तो बच्चे जो पास हुए हैं उनका जो आकलन है वो तो आने वाले समय में होगा। तो स्कूलों की यदि मैं बात करूं, स्कूल का एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं, जो आपकी शिक्षा नीति है। अरे बहन, 2 मिनट तो रुक जा। अरे बहन, 2 मिनट रुक जा, रुक जा, रुक जा। ये नहीं ऐसे नहीं। मेरा क्षेत्र जोशी कॉलोनी, माननीय शिक्षा मंत्री जी इस वक्त है नहीं, जोशी कॉलोनी में 11 साल से दिल्ली सरकार का स्कूल बना हुआ है। उसकी टूटी से लेके उसकी दुनिया भर की जो चीजें सब लोग उठाकर ले गए। 11 साल में आप स्कूल चालू नहीं करा पा रहे। वहां की जो जनता है, वहां की जो जनता है, बोलेंगे ना, जवाब दीजिएगा। वहां पर जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, यहाँ भाई ऐसे बात नहीं बोलेंगे। तो जी देखिए प्लीज, जब आप बोलोगे मैं बोलने नहीं दूंगा। अपना टोकना पड़े, ऐसे ना बोलने दीजिए। उनका अधिकार है बोलने, मत करो। अगर या तो सुन लो, नहीं तो फिर बोल नहीं पाओगे। मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो सरकार अपनी शिक्षा नीति का इतना ढिंढोरा पीटती है, 11 साल से स्कूल बने हुए खंडर हो गए हैं, बार बार शिक्षा विभाग में बात करने के बावजूद वहां वीकर सेक्शन के लोग हैं, एससी एसटी समाज के बच्चे हैं, उन्हें अपने घर से दूर जाना पड़ता है, और सरकार का जो रुपया खर्च करके जो बहुत बढ़िया बिल्डिंग बनी, आज उसकी हालत ये हो गई कि आज उसमें वो पढ़ने के लायक नहीं है, उसमें दोबारा उतने ही पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो ये आईना मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिस शिक्षा नीति का आप अखबार और टीवी में जनता के पैसे खर्च करके बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं। दूसरी बात, एक बड़ा मजेदार चीज है और बड़ा सुखद संयोग है। और सुखद संयोग क्या है कि देशभक्ति के लिए, देश प्रेम जगाने की आप बात कर रहे हैं, तो ये बड़ा सुखद संयोग है। जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग से संबंध रहे, जिन्होंने पाकिस्तान के वक्तव्यों को सराहा, यदि आज वो लोग देश प्रेम की बात करते हैं, तो इससे बढ़िया सुखद संयोग दिल्ली और देश के लिए नहीं हो सकता। इसके लिए मैं दिल्ली सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि आप देर आए दुरुस्त आए, देश प्रेम होना ही चाहिए। बिना देश प्रेम के व्यक्ति में और जानवर में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं है। आप
शिक्षा की बात करते हैं, फैकल्टी पूरी नहीं है, फर्नीचर काम का नहीं है, जो उनके जो बच्चों के लिए प्रयोगशालाएं हैं उनकी हालत खराब है। उच्च शिक्षा की यदि मैं बात करूं तो उच्च शिक्षा में जो कुछ काम करना है उसका तो अभी आप सपना ही देख रहे हैं, जमीन धरातल पे तो आप आ ही नहीं रहे। 7 साल से आपकी सरकार है तो आप केवल सपने ही देखेंगे क्या? मोहल्ला क्लिनिक की आपने बात की है, मोहल्ला क्लिनिक के हाल बेहाल हैं, कहीं जानवर लेट रहे हैं और कहीं पे यदि दवाई दे भी दी तो उससे बच्चे मर जाते हैं। और आप, अरे तो अखबार में आया है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये 3 बच्चे मरे ये तो अखबार का वो है, या तो आप अखबार में मुकदमा करो। और आप न्यूयॉर्क टाइम में दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे से न्यूयॉर्क टाइम में आप विज्ञापन और एडिटोरियल लिखवाते हैं तो बड़े शर्म का विषय है। तो आप ये ढपोर संखी जो घोषणाएं करने के बजाय जमीन पे कुछ काम करें जिससे लोगों को कुछ लाभ मिले। अब आप बात करते हैं कि आपने 90% जनसंख्या को आपने टीकाकरण कर दिया, तो मोदी जी का भी धन्यवाद कर दीजिए, मोदी जी ने जो आपको वैक्सीन दी ना करेगी, अरे कर ले भाई, कर ले। तो मोदी जी ने, अरे बहन से 2 मिनट बोल लेने दे। यू कैन स्किप दिस वीडियो इफ यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट। यू कैन स्किप दिस वीडियो इफ यू डोंट केयर अबाउट योर फ्यूचर। तो मैं इस सदन में मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिनकी दी हुई वैक्सीन से आज दिल्ली में 90% लोग वैक्सीनेट हो गए। पहले तो लोग कह रहे थे मोदी जी की वैक्सीन है, लेकिन आज दिल्ली में 90% लोगों को वैक्सीन लगी। मोदी जी की वैक्सीन आपने लगाई, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। अरे बधाई दे रहा हूं, ले लो भाई। अब आप बात करते हैं ऑक्सीजन की आप बात कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन के लिए जो आपको फंड दिया पहली और दूसरी वेव में, तो आप उस फंड का उपयोग कर नहीं पाए, ऑक्सीजन दे नहीं पाए, और दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो महामारी हुई सबने देखा। लेकिन अब भी मुझे लग रहा है जो आप ये टैंकर और ये सब बात कर रहे हैं अभी भी आप प्रोसेस में हैं, अभी भी आप इस काम को पूरा नहीं कर पाए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ दिल्ली सरकार से, अध्यक्ष जी आपके माध्यम से, कृपया इस काम को जल्द से जल्द पूरा करें। इसके बाद स्वास्थ्य शिक्षाओं का हाल तो हमने सब देख ही लिया कितना बेहाल रहा है। इसके बाद यदि मैं बात करूं, आप इसमें बड़े गर्व के साथ लिखते हैं कि दिल्ली में पेंशन स्कीम के माध्यम से पीड़ित महिलाओं को जो कुछ आप दे रहे हैं, लेकिन कितना दुर्भाग्य है कि पूरे देश में आप ढिंढोरा पीटते हैं। दिल्ली में 60 साल से ऊपर की जो विडो है वो मारी मारी फिर रही हैं, दयनीय स्थिति है। बार बार कहने के बाद दिल्ली सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगती और 60 साल से ऊपर की जो विडोज हैं उन लोगों को पेंशन दिल्ली सरकार देने में असमर्थ है। आंगनबाड़ी की भी आपने बात की है, आंगनबाड़ी के जो बच्चे हैं वो लगातार अपना जो उनको मिलता है पैसा, वो किसी रूप में भी मिलता है जैसा कि अभी मुझसे पहले बताया गया, उसको बढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि वो लोग अपना जीवन व्यापन ठीक कर सकें। उसके बाद 60 से 69 साल की बात आपने की है, 70 साल की, तो आप ही जो 70 साल की जो बात कर रहे हैं, 60 साल से ऊपर के मेल और फीमेल को तो आप पेंशन दे ही नहीं रहे। तो जब आप पेंशन नहीं दे ही नहीं रहे तो ये आप जो लिख रहे हैं तो सब झूठ का पुलंदा है भाई। 70 साल से ऊपर वाले कहते हैं जी 2500, अरे उसका फार्म तो भर नहीं रहे आप, जब फार्म ही नहीं भर रहे तो पैसे कहाँ से दे रहे हो? तो मुझे समझ नहीं आती ये झूठ सच क्यों लिखते हैं आप। अब उसके बाद में SC ST बस्तियों में आप सुधार की बात कर रहे हैं, पिक एंड चूज कर रहे हैं आप। अरे इस दिल्ली में जितने SC ST भाई हमारे रहते हैं या वीकर सेक्शन के रहते हैं, क्या वो केवल आम पार्टी के जो MLAs हैं उन्हीं का उत्थान करने का आपने संकल्प लिया हुआ है? बाकी के 8 और भी वो हैं वहाँ भी जो हमारे SC ST के भाई या वीकर सेक्शन के जो लोग रहते हैं
वहाँ SC ST का पैसा लग नहीं रहा। अब सवाल है, आपने इंस्टीट्यूट की बात की रिहैबिलिटेशन की, तो मोदी जी ने पूरी दिल्ली में सभी के अपने जो भी प्रॉपर्टीज हैं ये क्लस्टर में, उन सबकी रजिस्ट्री कराने का जो आपने कर रखा है प्रोग्राम, आपने बीच में इसमें इंस्टू डाल दिया, यदि उसकी उसी जगह पर रजिस्ट्री हो रही है जो कि केंद्र सरकार DDA के द्वारा करा रही है, तो क्या आप उन रजिस्ट्रियों को विड्रॉ करा के वहाँ पर इन सीटू रिहैबिलिटेशन कर पाएंगे? मेरी कम से कम समझ से बाहर है। अध्यक्ष जी, मंत्री जी बैठे हैं, अगर उनके पास कोई जादू हो तो ले लूं मैं। नहीं, ऐसा नहीं, देखिए समय की एक सीमा है, 2 मिनट तो दे दो, 10 मिनट हो गए पूरे, 10 दे दो श्रीमान जी, चलिए। इसके अलावा आपने राशन कार्ड की बात की है, राशन कार्ड नए बन नहीं रहे हैं, बिल्डिंग वर्कर्स जो हैं उनका वेलफेयर का पैसा आप इधर उधर खर्च कर रहे हैं, उनको मिल नहीं रहा, पानी की आपूर्ति पूरी नहीं है, जो मिलता है वो गंदा है, यमुना को साफ करने की बात कर रहे हैं, 7 साल हो गए आपको, 7 साल पहले कह रहे थे मैं गंगा साफ करूंगा, इसमें लोग मछली पकड़ेंगे, 7 साल तक आपसे यमुना साफ हुई नहीं है, गंगा साफ करने आप UP में जा रहे हैं, अरे पहले घर की गंगा तो साफ कर लो भाई। अच्छा, अब दिल्ली में बिजली की अगर हम बात करें, नए मीटर के लिए भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अभी दिल्ली विधानसभा परिसर की मैं बात करूं तो आप EV की बात करते हैं, प्रदूषण की बात करते हैं, बड़े बड़े जुमले लाते हैं, अरे इस परिसर में इलेक्ट्रिकल व्हीकल को चार्ज करने का स्टेशन तो आप लगा नहीं पाए, तो आप क्या प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे? दिल्ली के किसानों को आप किसान का दर्जा दे नहीं रहे हैं, मेट्रो आपकी वजह से लेट हुई है, और CCTV की जहाँ तक मैं बात करूँ, CCTV की यदि मैं बात करूँ तो CCTV के कैमरे तो आपने यहाँ भी नहीं लगाए, मेरी विधानसभा, ये जो हम 8 बैठे हैं, 8 लोगों की विधानसभा में टिल डेट एक भी कैमरा आपने लगाया नहीं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, झूठ का पुलंदा है, और ये डकोर संखी जो अभिभाषण है, हम इसका विरोध करते हैं, और आपको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, इसको पढ़ना, मैं आप सभी से कह रहा हूँ इसको पढ़ो, और इसमें केवल अरे मान जा बहन, मान जा, तो मैं इसका विरोध करता हूँ, ये सरकार की कुनीतियों के ऊपर कुठाराघात आम पार्टी की सरकार कर रही है, इससे आपको बचना चाहिए। धन्यवाद कुलदीप कुमार।